भाई आई ठंड बहुत है। बापू जी ठिकाना जी अब तो कुछ नहीं रहा ना बस में। नहीं नहीं खाली बापू जी रह गए थे वो तो मिल गए, अभी आप निकलो। और भाई हो आपका फोन का क्या है भाई, कितने फोन किया मैंने आपका फोन ही नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ ही आ रहा था। सॉरी मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया है। तो जरा ध्यान दो भाई, ऐसा कोई अर्जेंट काम हो तो कैसे आपका को कांटेक्ट कर रहे। अंदर प्लग बिगड़ गए ना, आगे जाके कर लेता हूँ। इसमें बैठे बाबू जी आराम से शांति से बैठ जाइए। है भाई आराम से एकदम। चलो अरे अभी मैं कहाँ बैठू? आ जाओ पीछे बहुत जगह है, बैठ जाओ। अरे दो उंगली जितनी जगह है भाई। अच्छा मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ, आ जाओ अभी आ जाओ बैठ जाओ। अरे अभी तीन उंगली जितनी जगह है। एक मिनट मिनट, जगह भले ही हो लेकिन यहाँ पे सकरम पे चार आदमी नहीं बैठ सकते भाई। अरे अभी सिर्फ गोकुलधाम तक ही तो जाना है भाई। वो जो भी हो जेठा, लेकिन ट्रैफिक के नियम होते हैं और मैं नियमों का पालन करता हूँ। अरे अभी आधी रात को तू क्या ट्रैफिक के नियम लेके बैठा है? पर अभी रोड तो देख पूरा खाली है। नहीं नहीं वो जो भी हो, रोड खाली हो या भरा हो, नियम मंजे नियम, मैं नियमों का पालन करने वाला हूँ। सकरम पे चार लोग नहीं जाएंगे। तो काम करो पोपटलाल, तुम रिक्शा टैक्सी में आ जाओ ना, जो मिले उसमें आ जाओ। ये देखो। हाँ बराबर। अरे क्या बराबर है भाई, इतनी रात को मुझे टैक्सी रिक्शा कहाँ मिलेगी? अरे भाई थोड़ा वेट करो ना पोपटलाल, मिल जाएगी। एक काम करते हैं, हम लोग आगे जाते हैं, जैसे ही टैक्सी रिक्शा मिलेगी हम लोग भेज देंगे यहाँ पे। तुम एक काम करो भाई, तुम तीनों सखाराम पे जाओ, मैं चल कर आता हूँ। भाई भिड़े चलना भाई, सिर्फ गोकुलधाम तक तो जाना है भाई, प्लीज। ठीक है चलते हैं फिर चार लोग सखरम पर। चल चल बाबू जी बैठे बैठे बैठे, मान लेते हैं मान लेते हैं, मुझे मालूम है ना क्या होता है। आराम बाबू जी, आइए चाचा जी आइए। अरे लेकिन अभी मैं कहाँ बैठू? अरे नहीं नहीं ये क्या है बाबा, ये बात तो सखरम है भाई, तेरा त्रास हुई। देखा तू एक काम कर, मेरी गोद में बैठ जा। आपकी गोद में बापू जी? अरे उसमें शर्मा था क्या है, बचपन में कितनी बार बैठा है तू? शर्माने की बात नहीं है बापू जी, लेकिन बचपन का मेरा वजन और अभी का वजन, वो आपका पैर उठा नहीं पाएगा बापू जी। एक काम करते बापू जी, आप मेरी गोद में बैठ जाइए, क्या आपका वजन मुझे इतना नहीं लगेगा। हाँ ठीक, खाली बराबर बराबर ही बोल भाई, वो हिलने को तैयार ही नहीं है, वहां से सीट पकड़ी तो पकड़ी। पत्रकार हूँ, काम आऊंगा। क्या काम नोड़ रहा है तू भाई, काम कुछ नहीं आ रहा है। मैं जिनके साथ होता हूँ ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है भाई, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई। आइए आइए बेटी आराम से। अरे आपसे क्या घोड़ा गाड़ी दी थी बापू जी? हाँ वो ये बराबर है। खाली पाँव संभाल ना चाचा जी। मैं पाँव पकड़ लेता हूँ। हाँ पकड़ लेना अच्छे से। आ गए हाँ बस बराबर हो गए, आप सेटल हो गए। अरे हाँ जेठालाल उस सोसाइटी में फोन करके बोल दो कि चाचा जी मिल गए, वो सब टेंशन में होंगे। अरे हाँ हाँ मुझे एक मिनट फोन पेंट कीजिए, सॉरी। शांति से बीत गए और यहाँ गोकुलधाम आते ही हंगामा हो गया। जेठालाल का फोन। अरे जल्दी देखो की। हाँ जेठालाल बोलो, मिले चाचा जी? हाँ माता साहब बापू जी मिल गए और अभी उनको लेके हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी ही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी आओ मैं तब तक सबको बता देता हूँ। मिल गए चाचा जी, मिल गए। चाचा जी मिल गए, आ रहे वो लोग। चलो 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 ठीक है बाबू जी। हाँ Oh, 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 oh
चल चल भाई भीड़ अभी फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी ले ले भाई, अभी और कोई गड़बड़ ना हो तो अच्छा है। अरे भाई तू यार चुप चुप बोल भाई, क्यों कोई गड़बड़ होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे शांति से बैठो ना भाई, बोलना ही है। अरे देवा, अरे क्या हुआ, भीड़ स्कूटर क्यों रोक दिया? स्कूटर नहीं, सखाराम के कलर। अरे भाई यहाँ क्यों रोक दिया सखाराम को? अरे सामने देखो नाकाबंदी है। ओह तो तेरे पास लाइसेंस नहीं है? मेरे पास लाइसेंस है जेठाला, लेकिन हम लोग सखाराम पे चार लोग हैं, सिर्फ तीन ही अलाउड है भाई। मैंने बोला था कि नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, आता क्या? घुमा घुमा भाई घुमा, गाड़ी मुंबई पुलिस वाले हो, समझदार है वो, समझेंगे भाई। डर डर मत, ले ले ले, चल ले ले। देखो नमस्कार। काय एक ही स्कूटर पे चार सवारी? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, वो क्या हुआ, थोड़ी सी मजबूरी थी इसलिए। कोई बहाना नहीं चलेगा, लाइसेंस जमा करना पड़ेगा, पावती फटेगी, दंड भरना पड़ेगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं हमेशा नियमों का पालन करता हूँ, मैं कभी नियम नहीं तोड़ता, मैं एक शिक्षक हूँ। वाह, शिक्षक, शिक्षकों के नियम तोड़ते हो, तो आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाओगे? देखिए मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। पत्रकार हो तो कानून तोड़ोगे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, देखिए क्या है कि हम भारत देश के अच्छे नागरिक है, हम लोग कभी कानून नहीं तोड़ते। दरअसल क्या हुआ, हम लोग कल सुबह 4 बजे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वाले एक बड़ी लग्जरी बस में घूमने गए थे, तो घूम के अभी आज रात को है, सब थक गए थे तो सब बस में से उतर के अपने अपने घर चले गए। मैंने सोचा मेरे बापूजी है, मैंने सोचा बापूजी भी थक के घर चले गए होंगे, मैं घर गया तो बापूजी घर पे नहीं। फिर किसी ने बताया कि नहीं नहीं बापूजी तो बस में ही सो रहे थे पीछे, और बस तो चली गई थी। फिर हम सब रात को बस को ढूंढने निकले, मुश्किल से बड़ी बस मिली, उसमें बापूजी मिले, तभी बापूजी को लेकर हम लोग घर जा रहे थे। हम बापूजी को लेने गए तो तीन ही लोग थे वो स्कूटर में, सखाराम में, सखाराम इनका स्कूटर का नाम है, तो तीन ही लोग थे। लेकिन अभी जा रहे थे, अभी बापूजी भी साथ में, तो चार हो गए। तो अभी क्या, हमने बहुत ढूंढा टैक्सी रिक्शा कुछ मिल जाए तो कानून नहीं तोड़ना पड़े ना, लेकिन अभी क्या वो टैक्सी रिक्शा कुछ मिला नहीं, इसलिए फिर मजबूरन हमको चार को ऐसे स्कूटर में जाना पड़ रहा है, सखाराम में जाना पड़ रहा है। अरे अभी ये सब इनको समझा के क्या मतलब है, तुम लोगों को ही पहले समझना चाहिए ना, मुझे लेने के लिए दो लोगों को आना चाहिए, तीन लोग क्यों है? बापूजी ये स्कूल सखाराम तो भीड़े का ही है, तो उसको तो कैसे मना कर सकते हैं, और मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे तो आना ही चाहिए ना आपको लेने के लिए। तो ये क्यों है? वो बोल रहा था कि मैं पत्रकार हूँ तो कुछ काम आऊंगा। पत्रकार है तो क्या हुआ, कोई पहचान काम में नहीं आएगी, समझे? देखो इंस्पेक्टर साहब, कभी कभी किसी की सच में भी मजबूरी होती है, हर कोई झूठ ही बोल रहा हो ऐसा नहीं होता। हाँ, हाँ। फिर भी हम लोगों ने कानून तोड़ा है तो हम लोग दंड भर देते हैं। हाँ। जेठिया, हाँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए। थैंक यू। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कानून तोड़ा है तो हम दंड तो भरेंगे। लेकिन चाचा जी ये खुद कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है तो? अरे भाई वो तो मानवता के नाते कह रहे हैं, लेकिन हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते दंड भरना चाहिए। दे दे ही रहा हूँ। ऑल थैंक यू। ठीक है अभी आप लोग जा सकते हैं। अरे आ गए।
भाई। आगे। दादाजी आई एम सो सॉरी, मैं बहुत नींद में था और मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि आप बस में रह गए हैं। सॉरी चाचा जी, हम सबको लगा आप घर पे जाके सो गए हैं। अरे तुम लोग क्यों सॉरी बोल रहे हो? अरे भाई आधी रात को तो सब लोग नींद में ही होंगे ना। मैं भी इतनी नींद में था कि तुम सब लोग कब बस से नीचे उतर गए मुझे पता ही नहीं चला। इतना लंबा सफर करने के बाद मुझे ढूंढने के लिए इन लोगों को आधी रात को सड़कों पे घूमना पड़ा, आप सबको इतनी ठंडी में मेरा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? नहीं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। हाँ सही बात है। अरे भाई अभी खड़े खड़े बातें करना बंद करो, सब लोग थक गए हैं, ठंड भी बहुत है, अपने अपने घर जाके सो जाओ। चलो चलो चलो। एक मिनट भाई, एक बार फिर से वापस देख लीजिए, कोई रह तो नहीं गया ना। आए भाई पाए माजी। यारो सब आ गए, सिर्फ एक चीज नहीं आई। क्या? वो अपने पप्पू की लग्नोत्सुक पतंग। हाँ भाई, कितनी आशा के साथ मैंने उस पतंग पर लिखा था लग्नोत्सुक वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, अपना एड्रेस लिखा था, फोन नंबर लिखा था। मैंने सोचा था कि वो पतंग जो है किसी लग्नोत्सुक कुंवारी कन्या के हाथ में आएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पोपट भौजी, मैंने कहा ना, आज नहीं तो कल किसी ना किसी लड़के का हाथ आपकी पतंग आ ही जाएगी। और पोपट भाई, खुदाई जी ने चाहा तो कल ही वो लड़की पतंग लेके गोकुलधाम आ जाएगी। रशन भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए भाई, पोपटलाल की लग्नोत्सुक पतंग किसी लग्नोत्सुक लड़की के साथ गोकुलधाम में वापस आ जाए, इसी आशा के साथ अभी फाइनली अपने अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं। चलो चलो, शुभ रात्रि। क्या भगवान, मैंने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा आइडिया निकाला, आपका काम आसान कर दिया। लग्नोत्सुक पतंग पर मैंने अपनी सारी डिटेल्स लिखकर ऊपर आपके पास भेज दी कि भाई मेरी जीवन संगिनी जहाँ कहीं भी छिपी हो उसके हाथ में आपको पतंग पहुँचा दो, लेकिन फिर भी आपने मेरी कोई मदद नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। करो कुछ करो प्लीज, कोई ऐसा चमत्कार करो कि कल का सूरज एक नई उम्मीद की किरण के साथ मेरे जीवन में आए। ढूंढने के चक्कर में बहुत घुमा ना बेचारा, इसे जरा साफ कर रहा हूँ। नहीं नहीं बेड़ा, साफ मत कर भाई। क्यों? अरे खाली साफ करने से कुछ नहीं होगा भाई, इसको तो क्या है, बढ़िया सा सर्विसिंग सेंटर में लेके जा और बढ़िया मालिश करवा के लेके आ। अरे कल बहुत मेहनत की है इसने, पप्पू जी को ढूंढने में कितना दौड़ा है, चार चार जन का वजन उठाया है इसने, इसलिए सर्विस सेंटर में ले जा, बढ़िया से सर्विसिंग करा, जो भी बिल होगा मुझे देना, मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं जेठालाल, थैंक यू वेरी मच, लेकिन गोकुल नाम अपना एक परिवार है और उस हिसाब से मेरा सखाराम भी इस परिवार का एक सदस्य ही है, तो सखाराम ने जो कुछ भी किया है अपना फर्ज समझ कर किया। मेरे की बात बिल्कुल सही है भाई, गोकुलधाम परिवार सखाराम के बिना अधूरा है, इसलिए सखाराम का भी फर्ज तो बनता ही है। गुड मॉर्निंग भाइयों, मैंने सुना है कि आप लोगों ने मकर संक्रांति में बहुत मजा किया। तुझे किसने बताया? अय्यर भाई ने, सभी काम पे जा रहे थे तो कुछ बताया उन्होंने। अच्छा, नहीं मजा तो किया लेकिन तेरे बगैर इतना मजा नहीं आया भाई, तुझे बहुत मिस किया। हाँ अब्दुल, तू होता तो बहुत मजा आता और तुझे भी बहुत मजा आता। मैंने बताया था ना कि मुझे दादी के पास जाना था, इसीलिए तो मैं नहीं आ सकता। कोई बात नहीं अब्दुल, आज शाम को सोडा शॉप पे मिलेंगे ना, तो वहाँ के ढेर सारे किस्से बताएंगे तुम्हें। हाँ पक्का। चलो भाई जेठालाल चले, दो दिन की छुट्टी के बाद आज ऑफिस जा रहे हैं भाई, यही खड़े रहे तो पूरा दिन बीत जाएगा गप्पों में। और मेहता साहब आधा घंटा रुक जाओ, मैं आप दोनों को गड्डी में छोड़ दूंगा। नहीं नहीं छोड़ी, रुक नहीं पाऊंगा,
भाई जरा सा भी लेट हो गया तो हाफ डे लग जाएगा और आधे दिन की तनख्वाह कट जाएगी, इसलिए जाने दो भाई, चलता हूँ। चले जेठा। तो तुझे रुक जाओ जेठा ब्रा, और तुम्हारा तो कोई पगार कटने वाला है नहीं। हाँ? नहीं छोटे, मुझे भी दुकान जल्दी जाना पड़ेगा, दो दिन बाद आज दुकान खुल रही है भाई, तो जाना पड़ेगा। चलो 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 भाई, मुझे भी सुविचार लिखना है। चलो हम भी चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। लेकिन सोड़ी, क्या सुविचार लिखो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुझाओ ना यार। आज का सुविचार उम्मीद पर होना चाहिए। उम्मीद पे क्यों? क्योंकि पतंग महोत्सव में पप्पू ने एक लग्नोत्सव पतंग उड़ाई थी, और मैंने पूरी उम्मीद है वो लग्नोत्सव पतंग लेकर कोई ना कोई लड़की हमारे गोकुलधाम में जरूर आएगी। लेकिन भिड़े भाई, ये लग्नोत्सुक, हाँ वही वही, ये पतंग होती क्या है? अब्दुल मैं बताता हूँ। अरे आदि भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदि भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ तो आदि भाई बताइए ना कि ये लग्न, अरे लग्नोत्सुक रे, ये पतंग है क्या? लग्नोत्सुक यानी जो लग्न के लिए उत्सुक हो। हुआ यूं कि पोपटलाल ने वहाँ पतंग महोत्सव में अपनी शादी के लिए एक पतंग के ऊपर अपना नाम, एड्रेस और फोन नंबर लिखकर हवा में उड़ा दी थी। एड्रेस, फोन नंबर सब लिख दिए। ये पतंग उड़ाना तो बहुत जरूरी है। उड़ा भाई, मैं ये लग्नोत्सुक पतंग उड़ाऊंगा, और ये पतंग पर जिस किसी सुकन्या की नजर पड़ेगी वो मुझे फोन करेगी, और फिर मेरे जीवन की डोर जो है वो। और पप्पू को पूरी उम्मीद थी वो पतंग लेकर कोई ना कोई लड़की उसको ढूंढते हुए जरूर आएगी। अफसोस, पर ऐसा हुआ नहीं। ओहो। और मुझे पूरी उम्मीद है यार, वो पतंग को लेकर अपने पप्पू को ढूंढते हुए कोई ना कोई जरूर आएगा ही आएगा। ए, आएगा नहीं, आएगी आएगी। आएगी ही आएगी। पोपट भाई को उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद रखेंगे तो ही तो सच होगी। सही बात है। ले पप्पू की गाल कर रहे, और पप्पू आ गया। ओ पप्पू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पप्पू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे उठते कितने जा रहे हैं? ओ इतने आ? ओए पप्पू, अभी हम तेरी बात कर रहे थे, 100 साल का होने वाला तू। मैं ऐसे तो 100 साल का होके भी क्या करूंगा। पटल ऐसे क्यों बोल रहे हो? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? अरे मूड खराब नहीं होगा तो क्या होगा? मैं कल रात को इतनी देर से सोए थे, थका हुआ था, फिर भी सुबह उठ के दूध लेने जाना पड़ा। अभी तक नहाया भी नहीं, अभी घर जाकर खुद ही चाय बनाऊंगा, नाश्ता बनाऊंगा। मुझे आप लोगों जैसी सहूलियत थोड़ी है कि सुबह उठते ही चाय नाश्ता तैयार मिलता है। पप्पू, और दिल छोटा ना कर, आत्मनिर्भर होना तो बहुत बड़ी गल है, क्यों डॉक्टर आती? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई मैं आत्मनिर्भर नहीं, पत्नी निर्भर होना चाहता हूँ। वो है क्यों ना यार, आप लोगों को नहीं पता? तो पत्नी निर्भर वो आदमी होता है जो अपने जीवन की हर चीज अपनी पत्नी को समर्पित कर देता है, अपने घर की और अपने जीवन की चाबी उसके हाथों में रख कर संपूर्ण तरीके से उस पर निर्भर हो जाता है। मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ, पत्नी निर्भर। यार पहले तो मुझे नहीं पता था, पर जैसे तूने बताया उस हिसाब से तो मैं भी पत्नी निर्भर हूँ। तो मैंने तो अपनी जिंदगी की खुशियाँ और घर की चाबियाँ दोनों रोशन डालिंग के हाथ में रख दी है। वैसे अगर उस तरह से देखा जाए तो मैं भी पत्नी निर्भर हूँ भाई, कि मैं जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय माधवी से पूछ कर ही लेता। इस तरह से तो मैं भी पूरी तरह कोमल पर ही डिपेंड हूँ। हाँ भाई, तुम सब पत्नी निर्भर ही हो। पोपटलाल, हम उम्मीद करते हैं कि तुम भी जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर से पत्नी निर्भर बन जाओ। हाँ भाई, उम्मीद तो मैंने भी नहीं छोड़ी, लेकिन लड़की मिलती कहाँ है? अभी ये लग्नोत्सुक पतंग को ही देख लो, उसे लेकर भी कोई नहीं है। ओ पप्पू, अभी हम लोग वही बात कर रहे थे, और मैंने तो पूरी उम्मीद है कि वो लग्नोत्सव पतंग लेकर कोई ना कोई लड़की तेरे से मिलने जरूर आएगी। सही बात है, हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया दोस्तों, देखते हैं। चलो चलता हूँ, गुड डे। गुड डे, टेक केयर। कितनी कहावतें हैं विवाह की, शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो पछताए, या फिर उस कश्ती की तरह जिसमें जो सवार हो वो तो डूबे, जो किनारे पे खड़ा है वो भी डूब जाए।
या फिर उस शिखर की तरह उस पे चढ़ने वाला सोच रहा है कि मैंने एहसास क्यों किया, और जो नीचे खड़ा है वो कह रहा है कि मैं एहसास कब करूंगा। भाई शादी की व्यथा हम विवाहित लोग समझते हैं, लेकिन कुंवारों की व्यथा अलग होती है कि उनकी शादी कब होगी। अप्पू पटलाल की व्यथा हम लोग समझ सकते हैं। इस वक्त बड़े दुखी हैं, उनका मूड ऑफ है, क्योंकि उनकी जो लग्नोत्सव पतंग थी उस पतंग को लेकर कोई युवती आई नहीं। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, ये जो पोपटलाल की लग्नोत्सुक पतंग है उसे लेके गोकुलधाम में एक युवती आने वाली है, और साथ में लेके आएगी खूब सारी हंसी हंगामे उठा के। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।